भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक गणराज्य देश है। दोस्तों ये सब वर्ड का मीनिंग बहुत ही डीप और बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी गई है, जो इसका हमारे इंडिया में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालती है। क्या दोस्तों ये बातें सत्य है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक रिपब्लिक देश है? अगर हम जुडिशरी की बात करते हैं, न्यायपालिका की बात करते हैं, तो दोस्तों न्यायपालिका को कहा जाता है कि ये इंडिपेंडेंट बॉडीज है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमारी न्यायपालिका किसी के भी दबाव में आके किसी भी तरीके का फैसला नहीं लेती है। ये दोस्तों बात कहां तक सही है, अगर हम पता करते हैं कि जो चीजें मैंने अभी कही, ये सारी चीजें हमें सिर्फ और सिर्फ क्या कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है, या फिर भारत के अंदर ये रियलिटी में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है? इस बात को दोस्तों गलत साबित कर दिया है विकास दुबे के एनकाउंटर ने। जी हाँ दोस्तों, विकास दुबे का जिस तरीके से एनकाउंटर किया गया, उस तरीके का एनकाउंटर आपने कभी भी नहीं देखा होगा, क्योंकि दोस्तों ये एक एनकाउंटर था ही नहीं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसिज्म किया कि दोस्तों ये एनकाउंटर नहीं था, और अगर दोस्तों ये एनकाउंटर नहीं था, जब हमें सच्चाई पूरी तरीके से पता है कि ये एनकाउंटर ना होके एक षड्यंत्र रचा गया था विकास दुबे के खिलाफ और उसे मारने के, तो दोस्तों हमारी गवर्नमेंट क्यों शांत हो गई, हमारा जुडिशरी सिस्टम इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा, हमारी मीडिया दोस्तों जो कि एक रिफ्लेक्शन बोला जाता है गवर्नमेंट का, कि दोस्तों गवर्नमेंट हमारी क्या कर रही है, हमारे राज्यों में क्या चल रहा है, हमारे स्टेटों में क्या चल रहा है, इसकी रिफ्लेक्शन जो देता है दोस्तों वो मीडिया है। अगर मीडिया चाहे तो इस देश को बहुत तरीके से बदल सकता है, और चाहे तो वो लोगों के दिमाग से खेल भी सकता है। तो क्या दोस्तों मीडिया ने इस न्यूज को वापस से दिखाना या फिर बंद क्यों कर दिया? तो दोस्तों मीडिया ने विकास दुबे की न्यूज को बढ़ाना क्यों बंद किया, आइए इसके पीछे के कारण को हम जानते हैं। तो अगर हम बात करते हैं विकास दुबे की वीडियो जो भी हमारे मीडिया ने पोस्ट की है, वो लास्ट वीडियो कब डाली गई थी? दोस्तों अगर हम एबीपी न्यूज की बात करते हैं, तो एबीपी न्यूज ने लास्ट वीडियो विकास दुबे के ऊपर 10 जुलाई 2020 को डाली थी। दोस्तों जी न्यूज वाले ने इस वीडियो को डाला 9 जुलाई 2020 को, जो कि लास्ट वीडियो विकास दुबे के ऊपर इन्होंने डाली थी। दोस्तों सबसे लास्ट वीडियो जिसने डाली थी वो है आज तक। दोस्तों आज तक ने सबसे लास्ट 23 जुलाई 2020 सबसे लास्ट वीडियो जो डाली गई थी वो विकास दुबे के ऊपर आज तक ने 23 तारीख को डाली थी। यहां तक कि दोस्तों ध्रुव राठी जी ने भी 10 जुलाई 2020 को ही इसका वीडियो डाला था, उसके बाद उन्होंने भी कोई अपडेट नहीं दिया। जी हाँ दोस्तों, वो एक बहुत अच्छे यूट्यूबर है जो कि दोस्तों गवर्नमेंट के इशू के बारे में बात करते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया, गवर्नमेंट की रियलिटी हमें बताते हैं। वो दोस्तों बहुत अच्छा काम करते हैं, बट दोस्तों उन्होंने क्यों विकास दुबे के ऊपर नेक्स्ट वीडियो नहीं डाली कि इसके पीछे का रियल मोटिव क्या था? विकास दुबे की दोस्तों न्यूज सारे मीडिया ने दिखाना तब बंद किया जब अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। तो अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं जब 12 जुलाई 2020 को, उसके बाद से विकास दुबे की न्यूज हमें बहुत ही स्लो होते हुए दिखाई देती है और बहुत ही नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। दोस्तों विकास दुबे का जो एनकाउंटर किया गया था वो 3 जुलाई 2020 को किया गया था। दोस्तों जस्ट इसके 5-6 दिन या 7-8 दिन आप मान लीजिए, इसके बाद किसी भी मीडिया ने, इस एबीपी न्यूज ने, आज तक ने, जी न्यूज वाले ने, ध्रुव राठी जी ने किसी भी तरीके का अपडेट नहीं डाला कि आगे विकास दुबे के जो पीछे छुपे हुए क्रिमिनल्स है उनको कौन ढूंढने वाला है, या फिर इस एनकाउंटर के पीछे किसका बड़ा हाथ था। आइए दोस्तों हम थोड़े से विकास दुबे के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों विकास दुबे के ऊपर टोटल ओवरऑल बोला जाए तो 61 केसेस थे, 61 केसेस उसके ऊपर चल रहे थे, 8 मर्डर और दोस्तों 15 उसने नॉर्मल इंसानों को मारा था। तो दोस्तों जब विकास दुबे ने 61 केसेस उसके ऊपर चले थे, दोस्तों पुलिस ने इसके पहले उसका एनकाउंटर क्यों नहीं किया, इसके पहले उसको जेल में क्यों नहीं डाला गया? दोस्तों जब उसने 8 पुलिस वालों को मारा और जब ये न्यूज मीडिया में बहुत ही तेजी से रन करने लगा, तभी दोस्तों इसका एनकाउंटर क्यों किया गया? इसके पहले भी उसने 15 हत्याएं की थी दोस्तों, 15 लोगों को मारा था, तब इसके ऊपर क्यों केसेस नहीं चलाए गए और क्यों इसको जेल में नहीं डाला गया था? दोस्तों जो लास्ट मर्डर भी विकास दुबे ने किया था वो चौबेपुर पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाले को मार के किया था। तो दोस्तों आप ये इससे अनुमान लगा सकते हो कि विकास दुबे की पॉलिटिकल लिंक कितना स्ट्रांग होगा दोस्तों, कि उसने पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस वाले को मार दिया। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा उसका पॉलिटिकल लिंक होगा दोस्तों, कि उसने पुलिस स्टेशन में जाके सबके सामने एक पुलिस वाले को मार दिया। दोस्तों अगर रियलिटी में कहा जाए तो अगर उसने 8 पुलिस वालों को भी नहीं मारा होता तो आज तक विकास दुबे पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि दोस्तों उसका पॉलिटिकल लिंक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था, बहुत सारे लोग उससे मिले हुए थे। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा दोस्तों, क्योंकि ये साफ साफ बताया नहीं जा सकता कि दोस्तों उसके साथ किन किन पार्टी की लिंक जुड़ी हुई थी। दोस्तों 1990 से लेकर 2020 तक टोटल केसेस उसके ऊपर 61 केसेस चलते थे। 1992 में उसने पहला मर्डर किया,
दोस्तों इस तरीके से वो मर्डर पे मर्डर करते चले गया। बस फाइनली उसको 2020 में जब विकास दुबे की न्यूज मीडिया में रन करने लगी तभी उसको इनकाउंटर क्यों किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल उठ के आता है। ये दोस्तों हम थोड़ी सी इनकाउंटर के ऊपर नजर डाल देते हैं कि किस तरीके से इनके इनकाउंटर किए गए थे और इस एनकाउंटर के ऊपर कौन कौन से सवाल उठ के आते हैं। दोस्तों इस एनकाउंटर के ऊपर चल रहे 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका जवाब अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने नहीं दिया हुआ है और ना ही हमारी मीडिया अब इन क्वेश्चनों को उठाना चाहती है और किसी भी तरीके का विकास दुबे से रिलेटेड न्यूज अब हमें एबीपी न्यूज आज तक किसी भी चैनल पे देखने को नहीं मिलता है। जो पहला क्वेश्चन निकल के आता है जब विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया तो दोस्तों मीडिया को वहां पे आने को क्यों नहीं दिया गया, मीडिया को क्यों वहीं पे टोल नाके पे रोका गया। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये क्या आता है कि मीडिया को आगे जाने की इजाजत क्यों नहीं दी गई। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों ये आता है कि जिस गाड़ी में विकास दुबे को बैठाया गया था वो गाड़ी आगे चल के चेंज क्यों कर दी जाती है, और ये बोला जा रहा है कि जिस गाड़ी में विकास दुबे बैठा था दोस्तों उस गाड़ी का एक्सीडेंट ना होकर किसी और गाड़ी का एक्सीडेंट किया गया है। ये दोस्तों एक क्रिटिसिज्म निकल के आता है हमारे कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस ने इस सवाल को उठाया है। दोस्तों अगला सवाल ये उठ के आता है कि जब गाड़ी पलटी तो विकास दुबे वहां से निकल के भागा, जो कि एक माना ही नहीं जा सकता दोस्तों क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे पुलिस वाले बैठे थे, फिर वो कैसे निकल के भागा। और दोस्तों अगर वो भागा तो भाग आगे की तरफ रहा था, गोली लगनी चाहिए थी पीठ पे तो गोली लगी उनके सीने पे। ये दोस्तों कैसे हो सकता है कि विकास दुबे भाग रहा था आगे की तरफ और गोली लगी उसको सीने से। और दोस्तों एक क्वेश्चन ये है कि अगर विकास दुबे जब भाग ही रहा था, जब उसे भागना ही था तो दोस्तों उसने उज्जैन में अपने आप को सरेंडर क्यों किया, अगर उसे भागना ही था दोस्तों तो वो सरेंडर ही क्यों करता। दोस्तों अभी तक इन सारे सवालों का जवाब हमारी मीडिया ने किसी तरीके का नहीं दिया और किसी तरीके का गवर्नमेंट में किसी ने भी इस सवालों का जवाब नहीं दिया। तो अगर हम बोलते हैं कि हमारी जुडिशरी सिस्टम इंडिपेंडेंट बॉडी है, हमारा गवर्नमेंट दोस्तों एक लोकतांत्रिक, किसी के भी दबाव में आके दोस्तों कोई भी फैसला नहीं लेती, तो दोस्तों इस केस में क्या हो गया कि दोस्तों इस केस में किसी भी तरीके का कोई भी जांच अब नहीं होगा। दोस्तों अगर जांच चालू भी होगी, अगर जांच होगी भी, तो दोस्तों क्या उम्मीद है कि इन सवालों का जवाब मिल जाएगा और विकास दुबे के पीछे बैठे बड़े बड़े क्रिमिनल को अब कौन फांसी तक पहुंचाएगा या फिर उनको कौन जेल तक पहुंचाएगा। दोस्तों विकास दुबे तो एक छोटी मछली थी, इसके पीछे बड़े बड़े साथ छुपे हुए थे जो कि अब हमारी पकड़ से दूर है और अब हम उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। दोस्तों इन्हीं के बीच एक न्यूज मीडिया निकल के आती है जिसका नाम है न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड। दोस्तों ये वही मीडिया न्यूज है दोस्तों जिसने 25 अगस्त को विकास दुबे की न्यूज को बताया, बट दोस्तों इस न्यूज में उन्होंने इन सवालों के जवाब ना देते हुए उनके बैकग्राउंड के ऊपर बात की और विकास दुबे के ऊपर चल रहे केसेस के बारे में बात किया गया, कुछ खास दोस्तों इसमें बात किया नहीं गया है। तो दोस्तों हमारी मीडिया इतनी कमजोर किस कैसे हो सकती है दोस्तों कि एक बड़े न्यूज को दोस्तों उसने बहुत ही छोटे में और बहुत ही कम टाइम में उसे खत्म कर दिया गया। दोस्तों उसके पीछे के छुपे हुए राज आज भी दफन है दोस्तों, अब मेरे ख्याल से वो आगे चल के कभी भी दोस्तों ये राज ऊपर नहीं आने वाले हैं। और दोस्तों इनसे बड़े बड़े क्रिमिनल जो आज भी हमारे सिस्टम में बैठे हुए दोस्तों वो अब भी वहीं पे हैं और दोस्तों अब उनको पकड़ना दोस्तों नामुमकिन जैसा लगता है। दोस्तों देखते हैं कि फिर इस केस की पूरी तरीके से छान कब होती है और विकास दुबे के पीछे छुपे बड़े बड़े क्रिमिनल्स का पता कब तक चलता है दोस्तों और उन्हें कब सजा दी जाती है। चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करना ना भूले दोस्तों, शेयर ज्यादा करें दोस्तों क्योंकि हमारी मीडिया को ये पता होना चाहिए दोस्तों कि विकास दुबे का एनकाउंटर एक बहुत छोटा सा खेल नहीं था दोस्तों, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था। इसकी सच्चाई को लाने के लिए दोस्तों मीडिया का साथ बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।